हेलो दोस्तों, जय माता दी। बागेश्वर धाम गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है कि इस नवरात्रि में शुक्रवार के दिन ये उपाय कर लेने से आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपका रुका हुआ धन प्राप्त नहीं हो रहा, आप कंगाली के कगार पे आके खड़े हो गए और आप पर लोन या किसी का कर्ज है तो आप इसे पल भर में चुका सकते हो और आपकी तिजोरी हमेशा रुपयों से भरी रहेगी। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाएगी। जिस पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाती है उसे अब फिर किसी बात की चिंता नहीं रहती है, उसके स्वयं माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है और उसके हमेशा धन की वर्षा माँ लक्ष्मी जी करती रहती। तो आपको इस नवरात्रि ये उपाय शुक्रवार के दिन अवश्य करना चाहिए। ये बहुत ही अचूक और कारगर उपाय है। ये उपाय बहुत ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए, दिल से करना चाहिए। जब तक आपका मन नहीं हो तब तो आप ये उपाय नहीं करें, उसका कोई लाभ नहीं मिलता। जब आप कोई भी उपाय करते पूर्ण श्रद्धा भाव से तो आपको अच्छा ही फल मिलता है, माँ लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। इसलिए आपको हमेशा खुश होकर प्रसन्न मन से उपाय करना चाहिए। ये उपाय आपको विशेष तौर पर शुक्रवार के दिन ही करना चाहिए क्योंकि शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इस दिन माँ लक्ष्मी की जो भी पूजा करता है वो माँ लक्ष्मी उसको मनवांछित फल देती हैं। आइए जानते हैं ये उपाय करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। तो कोड़ी की, लाल या पीले कपड़े की, केसर की, चांदी या तांबे का सिक्का। अगर तांबे और चांदी का सिक्का नहीं हो तो कोई सा भी सिक्का रख लें। सबसे पहले नहा धोकर माँ लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाएं और अपनी जो भी इच्छा है उसकी माँ लक्ष्मी से बोलें। जो भी आपकी आर्थिक स्थिति की परेशानी चल रही वो माँ लक्ष्मी से बोले और उनसे प्रार्थना करें, हे माँ आप मेरे घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाओ। सबसे पहले आपको एक लाल या पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें कोड़ी रख लें, केसर रख लें और जो भी सिक्का है चांदी का या तांबे का या सादा सिक्का है तो आप उसे एक पोटली बना के अपने घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। आपको ये उपाय अवश्य करें। इसके साथ एक और भी उपाय करें, आपको एक कमलगट्टा की माला लेनी है और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करनी है और उसके साथ आपको 108 बार माँ लक्ष्मी जी का जाप भी करना है। ये उपाय आप करें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी। शुक्रवार के दिन हमें अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। आपकी जो भी सामर्थ्य है सामर्थ्य के हिसाब से आपको अन्न दान अवश्य करना चाहिए और गाय को प्रतिदिन सुबह एक रोटी अवश्य खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जीवन माँ लक्ष्मी जी के बिना अधूरा है। हम जीवन यापन करने के लिए हमें माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इन छोटे छोटे उपाय कर लेने से हमारे जीवन में जो भी धन से आर्थिक तंगी से हम जूझ रहे होते हैं उनसे हमें मुक्ति मिल जाती है क्योंकि छोटे छोटे उपाय करने से हमारे जीवन की हर एक समस्या का समाधान मिल जाता है। यदि आपको भी धन से जुड़ी कोई समस्या है तो आप ये उपाय अवश्य करें, लाभ अवश्य मिलेगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। जय माता दी।